हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट बिट्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पोको के लो बजट स्मार्टफोन पोको C31 की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि पोको के इस फोन में हमें क्या फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच करें और साथ में लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, 14 अक्टूबर को मैंने एक कंपैरिजन वाला वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने रियलमी नार्ज़ो 50i, पोको C31 और Redmi 9i स्पोर्ट को कंपेयर किया है। इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, पोको ने 30 सितंबर को अपना नया स्मार्टफोन पोको C31 भारत में लॉन्च कर दिया है और ये फोन 10,000 के अंडर बजट सेगमेंट में आता है। बात करते फोन के वेरियंट की तो पोको C31 में हमें दो वेरियंट मिलते हैं, 3GB रैम प्लस 32GB इंटरनल जिसकी प्राइस है 8,499 और 4GB रैम प्लस 64GB इंटरनल जिसकी प्राइस है 9,499। तो 10,000 के अंडर बजट में हमें इस फोन के दोनों वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, इस फोन की परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चाहें तो वहां से इस फोन को परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं कलर ऑप्शंस की तो पोको का ये फोन दो कलर ऑप्शंस में आता है, रॉयल ब्लू एंड शेडो ग्रे। फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा पोको C31 का बॉक्स जो येलो कलर का है और बॉक्स के फ्रंट साइड हमें पोको की ब्रांडिंग और उसके नीचे बड़े से लेटर्स में C31 प्रिंटेड मिलता है। बॉक्स के बैक साइड अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर फोन के स्पेक्स देखने को मिलते हैं। बॉक्स के टॉप साइड हमें इस फोन की सार वैल्यू प्रिंटेड मिलती है। इस फोन की सार वैल्यू अंडर लिमिट से हेड के लिए 0.506 वॉट पर केजी और बॉडी के लिए 0.833 वॉट पर केजी। फ्रेंड्स, अब हम इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स को ओपन करने पर सबसे पहले हमें मिलता है हमारा फोन, इसके बाद हमें मिलता है एक मिनी बॉक्स जिसके अंदर है सिम रिजेक्टर टूल और कुछ डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट हमें मिलता है एक 10 वॉट का चार्जिंग एडाप्टर जो ब्लैक कलर का है और साथ में मिलती है एक माइक्रो USB केबल। तो ये सब बॉक्स कंटेंट्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इस फोन को अनरैप कर लेते हैं। फोन की स्क्रीन पर हमें पहले से एक प्री अप्लाइड गार्ड मिलता है जिसे हम रिमूव कर लेते हैं। बात करते हैं पोको C31 के डिजाइन की तो पोको के इस फोन का डिजाइन काफी अच्छा है। फोन के बैक साइड हमें रियर फिंगर सेंसर मिलता है और यहाँ पर हमें पोको की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और साथ में मिलता है ट्रिपल कैमरे वाला कैमरा मॉड्यूल विद LED फ्लैश। इस फोन के बैक साइड हमें डबल डिजाइन देखने को मिलता है, ऊपर के साइड प्लेन दिया गया है और नीचे की साइड हमें लाइंस देखने को मिलती हैं। फोन का बैक प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है और यहाँ पर हमें साइड एजेस भी काफी अच्छे से कर्व्ड देखने को मिलती हैं। इस फोन के बैक साइड जो लाइंस दी गई हैं उसकी वजह से इस फोन को ग्रिप करने में आसानी होती है और इस फोन को हम विदाउट केस भी यूज कर सकते हैं। तो लुक्स और डिजाइन वाले सेगमेंट में ये फोन काफी अच्छा है। बात करते हैं वेट और थिकनेस की तो इस फोन का वेट है 194 ग्राम्स और थिकनेस है 9 mm। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो फोन के लेफ्ट साइड हमें सिम ट्रे मिलती है जिसमें आप दो सिम और मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं। फोन के बॉटम साइड हमें स्पीकर ग्रिल, माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट और माइक्रोफोन मिलता है। फोन के राइट साइड हमें वॉल्यूम रॉकर बटन और पावर बटन मिलता है। फोन के टॉप साइड हमें ऑडियो जैक मिलता है। आजकल ज्यादातर फोन्स में ऑडियो जैक फोन के बॉटम साइड देखने को मिलता है पर इस फोन के साथ ऐसा नहीं है। डिस्प्ले की बात करें तो पोको C31 में हमें 6.5 इंच की वाटर ड्रॉप नॉच के साथ HD+ IPS LCD मिलती है। डिस्प्ले के फीचर्स में हमें 720x1600 पिक्सल का रेजोल्यूशन, स्क्रीन टू बॉडी रेशो ऑलमोस्ट 81% और पिक्सल डेंसिटी है 269 PPI। पोको के इस फोन की डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है और साइड के एजेस और बेजल्स भी हमें यहाँ एवरेज साइज के देखने को मिलते हैं। इस फोन में हमें 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले पैनल मिलता है जिसमें हमें 400 निट्स का मैक्सिमम ब्राइटनेस लेवल मिलता है। बजट के अकॉर्डिंग इस फोन में एक अच्छा डिस्प्ले पैनल हमें देखने को मिलता है। कलर्स और ब्राइटनेस वगैरह भी इस डिस्प्ले में हमें अच्छे देखने को मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की। फ्रेंड्स, पोको C31 में हमें MediaTek का G35 प्रोसेसर मिलता है। ये एक 64 बिट का चिपसेट है जो 12 नैनोमीटर पर वर्क करता है और 2.3 GHz पर क्लॉक्ड है। MediaTek का ये प्रोसेसर हमें अच्छा परफॉर्मेंस देता है और प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग इस फोन में हमें एक अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता है। गेमिंग वाले सेगमेंट की बात करें तो पोको C31 में हमें एक एवरेज गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। इस फोन में हमें हेलियो G35 चिपसेट मिलता है और साथ में ग्राफिक्स को हैंडल करने के लिए हमें पावर VRGE 8320 का सपोर्ट मिलता है। पोको का ये फोन हैवी गेम्स को हैंडल करने के लिए नहीं बना है।
इस फोन में आप लाइट गेमिंग और नॉर्मल टास्क आसानी से कर सकते हैं। आपको लैगिंग या फ्रीजिंग जैसे इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। एंटूटू स्कोर की बात करें तो इस फोन में हमें 107,000 के आसपास का एंटूटू स्कोर देखने को मिलता है, जो एक डिसेंट स्कोर है। बैटरी की बात करें तो पोको C31 में हमें 5000 mAh की बैटरी और एक 10W का चार्जिंग एडाप्टर मिलता है। फ्रेंड्स, इस फोन में हमें सभी सेंसर मिल जाते हैं, जैसे रियर फिंगर सेंसर और फेस अनलॉक। इस बजट सेगमेंट में हमें बहुत कम ऐसे स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं जिनमें हमें रियर फिंगर सेंसर मिलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि पोको C31 में हमें एक एडवांस फीचर मिल जाता है। स्टोरेज ऑप्शंस की बात करें तो इस फोन में हमें EMMC 5.1 का स्टोरेज और LPDDR4X रैम मिलती है। मल्टीमीडिया की बात करें तो इस फोन में हमें 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलती है, जो अच्छे कलर्स प्रोड्यूस करती है, और व्यूइंग एंगल्स भी इस डिस्प्ले में हमें अच्छे देखने को मिल जाते हैं। फोन में हमें डाउन फायरिंग स्पीकर मिलते हैं, जो अच्छी साउंड आउटपुट हमें देते हैं। फ्रेंड्स, इस फोन में हमें सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे डुअल 4G वोल्टी, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0 और डुअल बैंड वाईफाई। NFC का ऑप्शन आप इस फोन में एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि ये एक लो बजट वाला फोन है। OS की बात करें तो इस फोन में हमें MIUI 12.0 मिलता है, जो Android 10 पर वर्क करता है। OS वाले सेक्शन में हमें यहाँ एक डाउनग्रेड देखने को मिलता है, क्योंकि इस फोन में हम Android 11 एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर पोको की तरफ से हमें यहाँ Android 10 देखने को मिलता है। फाइनली बात करें कैमरे की तो पोको C31 का कैमरा सेटअप मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फ़ोन में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 13 MP, 2 MP का मैक्रो और 2 MP का डेप्थ सेंसर मिलता है। फ्रंट साइड में हमें 5 MP का कैमरा मिलता है और कैमरा क्वालिटी इस फ़ोन की काफ़ी अच्छी है। कलर डिटेलिंग भी हमें यहाँ काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, और लो लाइट में भी इस फ़ोन का कैमरा काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। कैमरा ऑप्शंस में हमें नाइट मोड, HDR जैसे सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, और फ्रंट और रियर कैमरे में हमें 30 FPS पर वीडियो शूट का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो कैमरा परफॉर्मेंस इस फ़ोन का काफ़ी अच्छा है। फ्रेंड्स, ओवरऑल बात करें तो सॉफ्टवेयर वाले सेगमेंट को छोड़कर इस फ़ोन में हमें कोई कमी देखने को नहीं मिलती, और बजट के हिसाब से पोको C31 एक अच्छा परचेजिंग ऑप्शन है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतना ही। इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर आप मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।